ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से पुरजोर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन गुरुवार को हिंदू पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए। हिंदू पक्ष की दलील यह है कि शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर का सुराख जानबूझकर किया गया ताकि शिवलिंग को फवारा साबित किया जा सके, और यह दावा कि जिस चक्री से सुराख हुआ वो बरामद भी हो गया। मस्जिद परिसर के अंदर जो वजू खाना है उसमें शिवलिंग मिला है और हमने मांग की है कि उसको संरक्षित किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ज्ञानवापी की लड़ाई अब सीधे सीधे शिवलिंग पर उतर आई है। हिंदू पक्ष की दलीलों का पूरा जोर सर्वे में मिले इस सबूत को शिवलिंग साबित करने पर टिका है, तो मुस्लिम पक्ष इस दावे का दम निकालने की कोशिश में लगा है। इस लड़ाई में शिवलिंग ही सब कुछ है, ये सबसे बड़ा सबूत भी है और सबसे बड़ा सहारा भी, इसलिए शिवलिंग पर सबसे बड़ी मोर्चाबंदी भी है। हिंदू पक्ष कह रहा है सर्वे में मिले पत्थर के शिवलिंग होने में कोई शक नहीं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये तो वजू खाना का फव्वारा है। हिंदू पक्ष कह रहा है शिव आराध्य हैं, उनका आदर होना चाहिए, वजू बंद होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि शिवलिंग पर बस अफवाह फैलाई जा रही है। हिंदू पक्ष शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांग रहा है, शिवलिंग की सुरक्षा चाहता है। मुस्लिम पक्ष शिवलिंग की आड़ में धार्मिक भावनाएं फैलाने का आरोप लगा रहा है। ये जो शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने, और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद पाया गया जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है, और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। मैं निवेदन करता हूँ विष्णु जैन साहब से और सभी लोगों से कि कृपया इस तरह के अनर्गल बयान देने से बचें। इस शहर की शांति व्यवस्था सर्वप्रथम है, सभी लोगों को में आपसी सौहार्द बना रहे और कोई भी भ्रामक बयान देने से हर आदमी को बचना चाहिए। गुरुवार को शिवलिंग की लड़ाई सिर्फ दावों तक नहीं थमी, ये लड़ाई नए आरोपों तक जा पहुंची। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा कि शिवलिंग के साथ बेअदबी की गई, 63 सेंटीमीटर का छेद जानबूझकर किया गया, शिवलिंग को फव्वारा बनाने की साजिश की गई। सर्वे रिपोर्ट से साफ है हिंदू मंदिर था, सर्वे रिपोर्ट से शिवलिंग मिलने की पुष्टि होती है, शिवलिंग मौजूद है मतलब धार्मिक स्वरूप बदला गया। शिवलिंग को उसको छेद किया गया है 63 सेंटीमीटर का छेद, और एक चक्री है जो उनके स्टोर रूम में मौजूद है जो उन्होंने वहां से हटाने बढ़ाने की कोशिश की थी, सीआरपीएफ के कंट्रोल में वो प्रॉपर्टी, उन्होंने उसको रोक दिया है और वो वीडियोग्राफ भी है, जब कोर्ट के सामने कार्रवाई होगी तब उसको दिखाएंगे। हिंदू पक्ष का दावा है कि शिवलिंग से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई, मस्जिद के स्टोर रूम से वो चक्री भी मिली है जिससे शिवलिंग में सुराख करने की कोशिश की गई, शिवलिंग को हटाने का भी प्रयास हुआ लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने ऐसा नहीं होने दिया। हिंदू ने वाराणसी के चौक थाने में अंजुमन इंतजामिया मसाहिद कमेटी के खिलाफ शिकायत भी दी है, जिसमें अवैध तरीके से ज्ञानवापी परिसर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया गया है। अभिषेक मिश्रा, रोशन जायसवाल और उदय गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक।